हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 12th फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, तो उसके सम वन शॉट कर देते हैं आज, एक ही सिटिंग में पूरा चैप्टर बना देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करिए, कैलकुलेटर ले लीजिए, पेज ले लीजिए, पेज और पेन ले लीजिए। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, मजा आएगा, एक ही सिटिंग में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। चलो, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स फाइंड करना है हमें, फोर्स फाइंड करना है, व्हाट इज द फोर्स, यानी फोर्स फाइंड करना है। और गिवन क्या है, Q1 एंड Q2, और डिस्टेंस गिवन है R। तो दो चार्ज Q1, Q2 एंड डिस्टेंस, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम फोर्स। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कूलम फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू, करो वैल्यू पुट करो, कैलसी ले लो, के 9 × 10⁻⁹, फॉर्मूला लिख लो, Q1 है 2, Q3 3, −7 −7 −14 हो जाएगा, −7 and −7 −14 हो जाएगा, और R है सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, सो 0.3 होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, देख लो आंसर क्या आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स होगा ये, रिपल्सिव फोर्स, फोर्स इज द रिपल्सिव फोर्स। तो क्या आंसर आ रहा है देख लो, 6 × 10⁻³ आ रहा है क्या, चेक योर आंसर, 6 × 10⁻³ न्यूटन आंसर आ रहा है कि नहीं, लेट चेक। चलो नेक्स्ट, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 μC, 0.8 μC, और गिवन है न्यूटन फोर्स, एफ गिवन है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, तो निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, यानी स्मॉल r, टू फाइंड स्मॉल r, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड, जिसके ऊपर लगता है वो पहले, जिसके द्वारा लगता है वो बाद में, ओके यानी F21 वेक्टर फाइंड करो। तो गिवन क्या है, F12 है, पहले के ऊपर दूसरे के द्वारा, वो गिवन है। फॉर्मूला वही आएगा, अभी हम जो पढ़े सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, F12 वेक्टर इट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, वैल्यू गिवन ही है, अप्लाई कर दो 9, चलो कैलसी ले लो, फॉर्मूला लिख लो, Q1 0.4, Q2 0.8, पॉजिटिव नेगेटिव, सो एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स। और माइक्रो का क्या करें, तो −6 −6 −12, 10⁻², डिवाइडेड बाय R, R कितना है, तो F दिया है और हमें R तो निकालना है, तो R ऊपर ले लेते, R स्क्वायर ऊपर ले लिया, फोर्स नीचे ले लिया, फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन, स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, तो उसका रूट निकालो, पहले पावर का रूट निकालो, −12 और −9 −12 में से 9 कट कर लो, तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो फिर क्या करें, तो और सिंपल फॉर्म दो, ये डेसिमल कट हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और इसका जो पावर है वो इसमें ऐड कर लो, सो −4, और ये डेसिमल कट कर लो, ठीक है ना, तो 9 8
72 into 10 to the power minus 4. सिंपल फॉर्म दोगे तो आई थिंक 0.12 मीटर आंसर आएगा. अप्लाई योर कैलकुलेटर यूज करिए और देखिए क्या आंसर आ रहा है. 0.12 न्यूटन आ सकता है आंसर, 0.12 मीटर, मीटर में आंसर. ऐसा यूनिट द डिस्टेंस टू फाइंड इन मीटर. चलो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हो गया, व्हाट इज द फोर्स, तो दूसरा फोर्स पूछा है यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ, कूलम्ब लॉ इज ऑबे न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो आएगा क्या, F21 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर, यानी दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड, यानी 0.2 न्यूटन. आंसर क्या रहने वाला बेटा, 0.2 न्यूटन. सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, बस चेंज क्या रहेगा, डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ F21 इज ऑपोजिट टू द F12, ये हो जाएगा, यानी 1-2 से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बाकी कुछ अलग नहीं है, आंसर सेम रहने वाला है. तो देख लीजिए आप दोनों क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रिवाइज करो तो एक ही फॉर्मूला था, एक ही फॉर्मूला K Q1 Q2 / R², फिर वैल्यू पुटिंग थी और दोनों पॉजिटिव थे यानी रिपल्सिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है सो एट्रैक्टिव फोर्स. देख लीजिए मैग्नेट्यूड सेम रहने वाला है क्योंकि कूलम्ब लॉ ऑबे न्यूटन थर्ड लॉ. तो बहुत ही आसान, आप आराम से कर सकते हैं, है ना. चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. चेक दैट द रेशियो, रेशियो निकालना है हमें और क्या दिखाना है, डायमेंशन लेस, फिर कॉन्स्टेंट को यूज करके वैल्यू भी निकालनी है. व्हाट इज, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और वो रेशियो क्या कहना चाह रहा है वो भी बताए. वो रेशियो हमें क्या सिखा जाता है वो भी बताए. तो सबसे पहले हम प्रूव कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. K² डिवाइडेड बाई GMEMP. ये देख के पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है. इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो फोर्स न्यूटन न्यूटन कट हो जाएगा. दोनों का यूनिट सेम रहता है, न्यूटन न्यूटन कट, यानी यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस. डायमेंशन लेस, इट हैज नो डायमेंशन. तो डायमेंशन पूछा गया था या फिर प्रूव करना था, चेक दैट, यानी प्रूव करना था, हो गया प्रूव. और मेथड है क्या, बिल्कुल है और मेथड. कूलम कांस्टेंट, तो उसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ई स्क्वायर कूलम स्क्वायर. तो ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सॉरी ये कूलम स्क्वायर. ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और मास केजी, फिर से मास केजी, केजी दो टाइम, टू टाइम उड़ गया. न्यूटन न्यूटन कट, मीटर स्क्वायर कट, कूलम स्क्वायर कट, यानी यूनिटलेस, सो डायमेंशन लेस. तो दो मेथड है जो आपको पसंद हो दोनों में से. डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, वैल्यू निकालनी है तो के स्क्वायर अपॉन जी, सारे कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करो. कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹, ई तो पता ही है आपको, ई तो आपको आता ही है. जी 11 साइंस ग्रेविटेशन चैप्टर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन. देख लो बेटा, अब कैल्सियम उठाओ और काम पर लग जाओ. तो ये 19 का स्क्वायर -38 हो गया, मैं रफ कर लेता हूँ, -38 19 का स्क्वायर, उसमें 9 ऐड कर लेते हैं या फिर ये 11 ऊपर आएगा प्लस होके, फिर ये 31 ऊपर प्लस आया, ये भी प्लस आया, सब जोड़ दो 10 18 1 78 में से 38 निकाल दो, 0
और ये हो गया 4। बाकी का सिंपल फॉर्म दे दो 10^40, और फिर सिंपल फॉर्म दोगे डिसिमल में तो आप देख लो क्या आंसर आ रहा है। आंसर आएगा 2.273 इंटू 10^39, 2.273 इंटू 10^39 ये आंसर आने वाला है बेटा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 0.2273 इंटू 10^40। अब ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है वो भी हमें बताना है कि ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो देख लो तीन स्टेप का क्वेश्चन। पहले दो क्वेश्चन आपको पता है K Q1 Q2 बाय R² वाले ही थे, दोनों क्वेश्चन सेम बराबर। न्यूटन थर्ड लॉ को वो ऑबे करता है कूलम्ब फोर्स, ये भी हो गया। अब इसमें देख लो इलेक्ट्रिक फोर्स वापस आया तीसरी बार और ग्रेविटेशन के साथ उसका कंपैरिजन है, तो कंपेयर करके ये पता चला यानी दिस रेशियो इज इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन, बल्कि कितना ग्रेटर, बहुत ज्यादा, एफ ई इज डबल ट्रिपल ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी मच मच ग्रेटर, मोर ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये सिग्निफाई कर रहा था। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व देख लीजिए, नोट बना लीजिए साथ में क्या बनाना है नोट। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये थियोरी बेज है, पूरा क्वेश्चन थियोरी बेज है, इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, यानी MCQ या फिर VSQ में आ सकता है 1 मार्क में। दो है, 1 मार्क के सिंपल क्वेश्चन है भाई। हमें ये जो स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, यानी Q इक्वल टू एनी वेयर एन इक्वल टू 1, 2 एटसेट्रा, ई 1.6 10^-19 कूलम। बी, Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, means के large scale charge, जब हम large scale charge से रूबरू हो रहे, पढ़ाई कर रहे, उसके बारे में सोच रहे, तो हम क्या कर रहे कि ignore कर रहे quantization of electric charge को। क्या बताना चाह रहे हैं, तो the value of n is very greater than small e, value of small e. क्योंकि small e की value तो पता है हमें, उससे n बहुत ही ज्यादा greater है, तो q की value तो और ज्यादा हो जाएगी। यानी ये quantization की बात, मैं मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, तो बड़ी वैल्यू, बिगर वैल्यू इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, और जो स्मॉलर है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में समझ लो आप क्या डिफरेंस है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये क्या है माइक्रो, और ये मैक्रो, सो ये मैक्रो हो गया। ओके, तो ये हमें समझाना था, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, यानी ऑब्जेक्टिव है, MCQ, ये MCQ में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, आप साथ में नोट बनाते चलो बेटा। व्हेन अ ग्लास रोड इज रब विथ अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, तो क्वेश्चन समझ लो ये क्या है। व्हेन अ ग्लास रोड, तो ये ग्लास रोड हो गया, इज रब विथ सिल्क क्लॉथ, तो ये सिल्क क्लॉथ हो गया, ये ग्लास रोड हो गया, इसको इसके साथ रब करना है तो हमें क्या दिखेगा, तो द इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम ग्लास रोड टू ग्लास रोड पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाले हैं, ग्लास रोड के ऊपर सिल्क से, राइट right? तो ये होने वाला है। व्हेन अ ग्लास रोड इज रब विथ अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों पर हमें चार्ज दिखेंगे, लेकिन स्टार्ट में बोथ आर
न्यूट्रल, बोथ आर न्यूट्रल। शुरुआत में दोनों कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब जैसे ही इसको रब करा तो ग्लास रोड पर से इलेक्ट्रॉन आए सिल्क क्लोथ के ऊपर, और ग्लास रोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों का चार्ज आफ्टर रबिंग ग्लास रोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खोता है, सो इट गेट पॉजिटिव चार्ज, एंड सिल्क क्लोथ गेट इलेक्ट्रॉन, सो इट गेट नेगेटिव चार्ज। लेकिन बोथ चार्ज आर सेम, बोथ चार्जेस आर सेम, तो दोनों पर चार्ज क्या हो गया? सेम हो गया। एक पर पॉजिटिव ग्लास रोड पर, और सेम टू सेम, तो n जितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड पर से आ गए सिल्क क्लोथ के ऊपर। तो देख लो, टोटल चार्ज वापस हो गया जीरो आफ्टर रबिंग। पहले चार्ज जीरो ही था, सो क्या बोलेंगे अब? अब हम कह सकते हैं हेंस एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ, हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे? हेंस दिस एग्जाम्पल इज सो, या फिर इंडिकेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हेंस करके क्वेश्चन में से ही वो डाल दो। आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि बोथ आर न्यूट्रल, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज होता ही नहीं है दोनों के पास। अब लिखना है आफ्टर रबिंग बोथ चार्जेज आर सेम, प्लस एनी माइनस एनी, और एन दिखा देना है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पहले भी जीरो, एंड में भी जीरो। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन चार्ज का है। ओके, डन, थियरी है ये। नेक्स्ट, फोर पॉइंट चार्ज, चारों चार्ज दे रखे हैं, आर लोकेटेड द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। एबीसीडी 10 सेंटीमीटर साइड की लेंथ है, और सभी पर आप देख लो, यहां है क्यू ए चार्ज, दैट इज 2 माइक्रोकुलम, ये क्यू बी माइनस 5 माइक्रोकुलम, फिर क्यू सी 2 माइक्रोकुलम, एंड क्यू डी माइनस 5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड द कॉर्नर। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम? तो यहां पर एक चार्ज रखा है क्यू नॉट ओ पर, और वो है 1 माइक्रोकुलम। तो 1 माइक्रोकुलम डिनोटेड बाय क्यू नॉट। तो हमें क्या ढूंढना है? व्हाट इज द फोर्स, फोर्स ढूंढना है इसके ऊपर कि कितना फोर्स लगेगा, वो चारों के कारण कितना फोर्स लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे देख लेते हैं, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। ओके, तो देख लो भाई, ए भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बी भी लगाएगा, सी भी लगाएगा, और डी भी, चारों फोर्स लगाएंगे, कूलम फोर्स। यानी वंस अगेन वही फॉर्मूला, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट आर, वी शुड फाइंड आर, आर हमें फाइंड करना चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या होगी? साइड की वैल्यू है 10, 10, तो ये हो गया, यानी इसको बोले ए ए, तो ये हो गया रूट टू ए, और ये ए बाई रूट टू ये होता है। फिर से समझा दूं एक बार, तो ये स्क्वायर, ये पाइथागोरस ए ए, तो पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देख लो बेटा 2a स्क्वायर, तो ए सी क्या हो गया? रूट टू ए हो गया। अब हमें तो आधा चाहिए, यानी डिवाइडेड बाई टू, तो रूट टू क्या हो गया? ए बाई रूट टू, ऑलवेज याद रखो ए बाई रूट टू लेना है। ओके, डन, तो आर पता चल गया, ए बाई रूट टू यानी 10 डिवाइडेड बाय रूट टू इन सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू वन क्यू टू ये सब तो गिवन ही है, आर हमने निकाल लिया है, तो अब क्या है? फटाफट कर लो, चलो कूलम फोर्स अप्लाई कर लो भाई।
काम करते रहो बेटा, काम करते रहो। तो ये हो गया एफ ओ ए, कितना आएगा के क्यू ए क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और उसकी डिरेक्शन क्या रहेगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी डिरेक्शन आने वाली है एओ में, एओ की ओर, ठीक है। अब सेम वे ओ बी, लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ दिखाना है उसको। तो ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ बी, अब आए ओ सी, वापस रिपेल, ये रिपेल हो गया ओ सी, और फिर ओ डी, एट्रैक्टिव, ये नेगेटिव है सो एट्रैक्टिव, देख लो ये फिगर बनने वाली है। अब के क्यू बी क्यू नॉट अपॉन आर, तो सेम ही है, और डिरेक्शन क्या रहेगी, ओ से बी की ओर, ओ से बी की ओर, ये ए से ओ की ओर था, अब ये ओ से बी की ओर है, ठीक है। सेम वे ओ सी, फॉर्मूला ले लो के क्यू सी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या रहेगी, तो सी से ओ यानी सी ओ, लास्ट में एफ ओ डी के क्यू डी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होने वाली है, तो डायरेक्शन होगी बेटा ओ डी कैप, ओ डी कैप। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऐसे सेट कर दिया। अब रिजल्टेंट यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ये बाय अप्लाइंग कूलम फोर्स या फिर कूलम लो, अब आए हम बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वी ऑब्टेन नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या आने वाला है, नेट फोर्स यानी ये सबका सम ऑफ, सबको ऐड कर लो वेक्टर फॉर्म में ही, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल आंसर जो हमें चाहिए, ठीक है ना। सब इंडिविजुअल वैल्यू रखो और फाइंड करो चलो फटाफट। तो क्यू ए क्या है, 2 माइक्रो कूलम, और क्यू नॉट क्या है, 1 माइक्रो कूलम, 2 वन जा 2 हो गया, के तो 9 आता ही आपको, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फिर से के क्या है बेटा, के देख लो फटाफट देख लो, के क्या है, तो के है 9, एक बता दूं मैं आपको, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू बी 5 माइक्रो माइनस 6, क्यू नॉट तो 1, माइनस 6 6 6 12 होने वाला है वो, आर है 10, ये 0.100 से डिवाइड कर दिया मैंने बाय रूट 2, तो 0.1 का स्क्वायर 0.01, और ये स्क्वायर रूट कैंसल और ऊपर आ गया 2, तो इतने न्यूटन होने वाला है। देख लो सेम वे आपको ओ ए फाइंड करना है, तो मैं आपको बोलूं ये ओ बी एंड ओ डी आर सेम, ये दोनों सेम आएंगे, जितना ओ बी है ना उतना ही ओ डी आएगा, सेम आएंगे मैग्नेट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं, मैग्नेट्यूड में सेम आएंगे, मैं बोल दूं आपको। और ओ ए और ओ सी सेम आने वाले हैं, ये दोनों सेम आएंगे, ओ ए एंड ओ सी आर सेम इन मैग्नेट्यूड। और फिगर में देखो, फिगर में ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट, देखो यहां ध्यान से देखो, बोथ आर, दोनों क्यों कैलकुलेट करना है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फिर से अब ध्यान से देखो, ओ सी ओ ए एक दूसरे को उड़ा रहे और ओ बी ओ डी एक दूसरे को उड़ा रहे, तो आंसर क्या बना, जीरो, कोई आंसर ही नहीं बना भाई, आंसर कैसे बनेगा, आंसर बिकम्स जीरो, यहां से ही पता चल गया।
फिर भी आपको कैलकुलेट करना है, तो मैंने ऐसे वैल्यू पुट करी, पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑपोजिट है डायरेक्शन में, तो क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है, तो आंसर बिकम्स जीरो. तो सिक्स नंबर का आंसर तो जीरो आ गया. और फॉर्मूला कूलम लो. तो छः, 1 to 6 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए. 1 to 6 कितने फॉर्मूला है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, मुझे तो वही बेसिक लग रहा है, मोस्ट ऑफ में वही आया. और दो क्वेश्चन ऐसे थे, उसमें एक में क्वांटाइजेशन का आया क्यू इक्वल टू एनी, और एक में आया सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन तो क्या होता है? द सम ऑफ ऑल फोर्सेस. ये तो भाई थियरी है, इक्वेशन तो पूरा थियरी बेस्ड है. एन इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व. कंटिन्यूअस कर्व ही होता है, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा तो उसके अराउंड में हर जगह फील्ड होगा, हर जगह फील्ड होगा. जहाँ भी चार्ज होगा पूरे में, जहाँ तक फील्ड उसका है सब जगह होगा, यानी ऑल, कोई जगह बाकी नहीं छोड़ेगा वो, सभी में होने वाला है. ऐसा नहीं कि थोड़े में मिलेगा थोड़े में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं. इसीलिए कंटिन्यूअस कर्व ही होता है. दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, यानी आप ब्रेक नहीं कर सकते. व्हाई नॉट? तो क्वेश्चन में ही आंसर है. एन इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म. कैसा होता है बेटा? यूनिफॉर्म. यानी हर जगह होता है, यूनिफॉर्म, इक्वल. एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट. हाँ, तो वो तो प्रॉपर्टी में, कैरेक्टरिस्टिक में आप पढ़े हैं कि द टेंजेंट सो, टेंजेंट क्या सो करता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, द टेंजेंट सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट. अब कोई एक ही जगह पे, कोई एक ही पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, यानी सोचिए एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. टू डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है भाई एट एनी पॉइंट, वन पॉइंट पर? यानी ये रॉन्ग है, हमने जो सपोज करा वो रॉन्ग है. इससे ये पता चलता है कि दे नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट. तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, थियरी बेस ही थे. पहला, एन इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व. एन इलेक्ट्रो स्टेटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज ऑफ द फील्ड स्प्रेड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ चार्ज ऑफ द चार्ज. द फील्ड इज स्प्रेडेड अराउंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द चार्ज. तो चार्ज के अराउंड में सभी पॉइंट पर फील्ड होता ही है, तो इसलिए ये है. यानी कहीं पर भी हम ब्लैंक नहीं ले सकते. एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, तो उसका भी आंसर हो गया. तो दो एक ही पॉइंट पर, यानी दो फील्ड लाइन, पॉइंट सेम है और फील्ड दो दिखा रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो ओके, सो नेवर क्रॉस ईच अदर लिख देना है हमें. सिंपल थियरी है, डन है. चलो आगे. टू पॉइंट चार्जेज आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम. तो पहला है, दो चार्ज क्यू ए क्यू बी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव.
डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट पर यहां पर यानी आरडीएस 10 लेना पड़ेगा. टोटल 20 है तो आरडीएस हो गया 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर. तो पॉजिटिव का अवे और इसका टूवर्ड्स तो आ गया फील्ड. टोटल फील्ड ड्यू टू यहाँ ये पॉइंट को हम सी कह देते हैं. तो सी ए प्लस सी बी. डिरेक्शन आई एक्स एक्सिस. तो इस डायरेक्शन में ये होने वाला है. ओके डन. आंसर 2kq/r² × i. टू टाइम फील्ड का फॉर्मूला चेंज हुआ. टॉपिक चेंज हो गया. अब से फील्ड का क्वेश्चन हम कर रहे हैं. फोर्स वाले खत्म हो गए. ये फील्ड शुरू हो गया. देख लो आप फुल फील्ड का एक क्यू निकाल दो. अब एक ही क्यू बचेगा. वैसे दो है दो क्यू तो टू टाइम. फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं. kq/r² टू टाइम. टू के 9×10⁻⁹ और qa 3 वो भी 3. तो चार्ज सेम है. माइक्रो यानी -6 आर 0.1 उसका स्क्वायर. सिंपल फॉर्म दे दो जो आए न्यूटन पर कूलम. आई कैप. ओके डन. अब क्या पूछ रहे. इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज. तो कूलम की सभी थियरी में कूलम ने बेसिकली क्या करा था. न्यूटन जो हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं 11th में तो उसका कॉपी करा था. न्यूटन ने भी ज़्यादातर खोज ऐसे ही करी थी कि जहाँ भी उसको चाहिए ग्रेविटेशन तो वहाँ वो क्या करता था. एक टेस्ट चार्ज को टेस्ट मास को रख देता था. टेस्ट मास यानी 1 kg जिसको हम डिनोट करते हैं MO. यहाँ पर कूलम ने सेम कॉपी किया कि जब भी उसको कुछ खोजना था फील्ड खोजना है फोर्स निकालना है तो वो एक टेस्ट चार्ज को. टेस्ट चार्ज क्या होता है. वन कूलम तो उसको रख देता था. तो यहाँ है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज का मतलब ये है यानी क्यू नॉट कह सकते हैं. इसको डिनोट करते हैं क्यू नॉट से. तो गिवन है क्यू नॉट. व्हाट इज द फोर्स एक्सपेरिमेंट बाय द टेस्ट चार्ज. फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज यानी हमें फोर्स निकालना है. एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई और ये आ गया हमारा आंसर. Q नॉट गिवन है 1.5. E यहां से जो मिलेगा हमें वो रखना है. इतने न्यूटन. डायरेक्शन वही रहेगी I कैप. Q नॉट तो स्केलर क्वांटिटी है. तो फील्ड ही वेक्टर क्वांटिटी है. उस हिसाब से फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी. देख लीजिए. तो क्या आंसर आया. ये आना चाहिए 5.4×10⁶ और फोर्स का 8.1×10⁻³. -3 ये 6 है प्लस 6 तो 9 में से 6 जाएगा -3. देख लीजिए. ओके डन. चले आगे. सिंपल है ना. नया फॉर्मूला एक बार नोट फॉर्मूला सीट भी बना लो साथ में उसमें लिखते चलो. सिस्टम हैज टू चार्ज. तो दो चार्ज दे रखे हैं. दो पॉइंट जहां पर वो चार्ज रखे हैं. व्हाट इज द. तो उससे हमें क्या पता चलता है. एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है. एक्स वाई जेड उसमें जेड कोऑर्डिनेट के ऊपर रखा है वो तो 0 0 है एक्स और वाई. तो वॉट आर द टोटल चार्ज. 0 यार प्लस और माइनस सेम है यानी 0. एंड इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट. मोमेंट का फॉर्मूला q×2a. तो एक और नया फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. फिर से टोटल चार्ज कैसे निकालें. टोटल चार्ज वो तो बहुत ही आसान है. कैसे. qa प्लस qb दोनों सेम. बोथ आर इक्वल. सो आंसर बिकम्स 0. उड़ जाएगा. ये तो उड़ गया बेटा. आंसर बना 0. सेकंड अब हमें चाहिए डाइपल मोमेंट p. फॉर्मूला q×2a. मैंने बता दिया आपको क्या फॉर्मूला है q×2a.
पहले जो भी डेटा है वो नोट डाउन करना होता है ऑलवेज, ये ध्यान रखो. ये हो गया एक्स वाई और जेड, दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव कहाँ है? पॉजिटिव है माइनस पर, यानी यहाँ पर 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, ये है क्यू ए. और क्यू बी यहाँ है, उसके कोऑर्डिनेट है 0 0 15 सेंटीमीटर, यानी मोमेंट ये रहा मोमेंट अलोंग जेड, अलोंग जेड एक्सिस. फिर से मोमेंट का फॉर्मूला टू क्यू ए, और डिरेक्शन मिल गई है अलोंग जेड एक्सिस. ओके डन, अलोंग जेड एक्सिस फॉर्मूला हमें मिल चुका है. वैल्यू पुट करो क्यू, ये हमें लेना है क्यू ए. ऑलवेज टेक पॉजिटिव, ऑलवेज टेक पॉजिटिव, ऑलवेज टेक पॉजिटिव. और टू ए डिस्टेंस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला मैथ्स में आता है, मैथ्स में डिस्टेंस फॉर्मूला. तो कैसे निकाले वो? अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर. तो ये सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान दो. तो 0 0 0 0 0 0 15 और 15 30, तो 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर. पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, ये डिस्टेंस 2a इज नोन एज डिस्टेंस. qa टेक पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज 0.3, तो इतने कुलंब मीटर. 0.3 इंटू 2.5 करो कैल्सी में, 7.5 आएगा, 7.5 देख लो. और एक जीरो, एक डेसिमल यहां सेट कर लो, माइनस 8 कर लो, माइनस 8 देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व. ओके ए और बी. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट, मोमेंट गिवन है, हमेशा डेटा अंडरलाइन होना चाहिए. 30 मैग्नेट्यूड, फील्ड का मैग्नेट्यूड दे रखा है, ई दे रखा है, पी दे रखा है. कैलकुलेट द मैग्नेट्यूड ऑफ द टॉर्क, टॉर्क निकालना है, पी साइन थीटा, तो ये थीटा दे रखा है. हो गया, बहुत ही आसान. टॉर्क टाव इक्वल टू पी साइन थीटा, वैल्यू पुट करें 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ई, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 साइन 30, दैट इज हाफ 1/2 20 माइनस 5 माइनस 5 तो ये 10, यानी माइनस 4 इज द आंसर. आंसर क्या होने वाला है? माइनस 4. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन. फिर भी आप फॉर्मूला सीट पर ध्यान दो. सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला दो आ गए एक्चुअली, क्यू नॉट ई वाला भी एक करा, के क्यू वन क्यू टू वो भी करा, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला भी करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फॉर्मूला करिए. जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है. उसके बाद फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, मोमेंट क्यू इंटू टू ए, मोमेंट क्यू इंटू टू ए. फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स निकालने के लिए सभी फोर्स का सम ऑफ, देख लीजिए. फॉर्मूला सीट ऑलवेज करते रहिए. नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ए पॉलीथीन पीस. तो ये पॉलीथीन पीस, पॉलीथीन पीस हो गया, रब विथ वूल, ये वूल हो गया, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁷ कूलम. तो चार्ज दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम. और क्या करना है? इसको इसके साथ रब्ड करना है, रब करो. तो वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, वूल के पास नेगेटिव चार्ज गया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, तो पॉलीथीन टू वूल,
A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge 3×10⁻⁻¹. A polythene piece rubbed with wool, तो इसको वुल के साथ रब करने से क्या होता है? तो ये देखने को मिलता है कि to have a negative charge of, यानी polythene piece पर negative है, तो रब उल्टा है, उल्टा है, देख लो, और ये इलेक्ट्रॉन को खोएगा, वुल. Estimate the number of electrons transfer from which to which. हाँ, वही तो निकालना है. चलो, सॉल्व हो गया. Wool to polythene. ये आ गया पहला आंसर हमारा. Second. Is there a transfer to mass from wool to Yes. Yes. अब मास कैसे निकाले? तो total mass equal to n into me. n कैसे निकाले? q इक्वल टू एनी, चार्ज गिवन है, तो n इक्वल टू q बाई चार्ज 3×, क्वांटाइजेशन करा चुका हूं मैं आज ही आपको इक्वेशन में, राइट तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पुटिंग द वैल्यू हियर. मास तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, तो आ गया टोटल मास इन केजी. ओके, डन. कैलकुलेट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन. चलो, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2×10⁻½ आए, देख लो, 2×10⁻½ आए, चेक कर लो. फिर मास कितना आया देख लो, वो आएगा 1.82 आ रहा है कि नहीं, -18 केजी. यानी एक इलेक्ट्रॉन का 9.1×10⁻³१, तो जो इलेक्ट्रॉन हमें मिले उसका टोटल मास कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, इतने का इतना तो इतने का कितना. ओके, डन. नेक्स्ट, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर एन बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस दे रखा है और दो स्फीयर दे रखे हैं ए एन बी, और डिस्टेंस है, फोर्स भी. व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, फोर्स फाइंड करना है. एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और चार्ज दे रखा है, चार्ज दोनों का चार्ज दे रखा है, तो पहला है फोर्स, आता ही है हमें कूलम्ब फोर्स, के क्यू वन क्यू टू या फिर क्यू ए क्यू बी बाय आर स्क्वायर. सिंपल क्वेश्चन, दोनों का चार्ज सेम ही है, और दैट इज 6.5×10⁻⁷ कूलम्ब, सेम ही है, तो टेक स्क्वायर. डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, यानी 0.5 उसका स्क्वायर. सिंपल फॉर्म दे दो, जो मिले वो आंसर. द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर निग्लिजिबल कंपेयर टू द, वो तो हो गया. व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ, यानी ये रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स. स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ. यदि डिस्टेंस हाफ कर देते और चार्ज डबल कर देते तो फोर्स पर क्या इफेक्ट होगी, ये पूछा है दूसरा क्वेश्चन. यानी चार्ज हो गया बेटा डबल और डिस्टेंस हो गया हाफ, तो नया फोर्स क्या आने वाला है, नया फोर्स एफ डैश. तो वैसे शॉर्टकट है, ये टू को एम कर दो, ये अपॉन में टू को एन कह दो, तो एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू एफ, दिस इज द शॉर्टकट फॉर सॉल्विंग एम सी क्यू. एम सी क्यू सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट है, आप लिख लीजिए एम को चार्ज बताओ और एन को डिस्टेंस, फिर जो दे वो पुट कर लो, हो जाएगा. तो चार्ज क्या हुआ डबल, यानी एम हो गया टू, स्क्वायर कर लो, और डिस्टेंस कितना है हाफ, डिस्टेंस कितना है बेटा हाफ स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, एम का भी स्क्वायर, एन का भी स्क्वायर, एम फॉर चार्ज, एन फॉर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितना है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर, चार्ज डबल तो डबल यानी दो, उसका भी स्क्वायर, इनटू पुराना वाला फोर्स. तो टू टू जा फोर, ए टू टू जा फोर, यानी 16, यानी 16 इंटू एफ हो जाएगा, जो भी हमारा फोर्स पहला मिला था हमें उससे 16 को मल्टीप्लाई कर देना है. ये भी रिपल्सिव ही मिलेगा, देख लो. क्या आ रहा है, तो 1.521
शायद 1.521 10 टू द पावर माइनस 2 शायद ये आ रहा है। उसको 16 से मल्टीप्लाई कर लो फिर और देख लो क्या आ रहा है आंसर। 0.2434 ये आएगा, चेक करो। लेकिन आपको इसमें कॉम्पिटिटिव के लिए एक शॉर्टकट भी मिल रही है, ये भी नोट डाउन कर लो। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर यही फॉर्मूला लगाए फिर ये वैल्यू पुट करे तो भी बेटा यही आंसर आने वाला है, टेंशन मत लो, आप वो भी कर ही सकते हैं। बता दूं मैं, एफ डैश इक्वल टू के क्यू डैश उसका स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, सेम ही होने वाला है। क्यू डैश यानी 2q का स्क्वायर, आर डैश यानी आर बाई 2 का स्क्वायर। अब सिंपल फॉर्म दे दो तो 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का 4, 4 जा 16, ओके डन, बोथ आर सॉल्व, ए एंड बी। नेक्स्ट फिगर 1.30 शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। थियरी कोई कैलकुलेशन नहीं है, थियरी लेकिन IMP ये भी शॉर्टकट, इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूं फॉर कॉम्पिटिटिव कि वाई वेरीज एच क्यू बाय एम, वाई वेरीज एच क्यू बाय एम। ओके, दो शॉर्टकट हो गई, देख लो ये दूसरी वाली देख लो बेटा कैसे आया वो भी बता दूं। तो वाई इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, जानते ही आप 11 साइंस, ए यानी ई बाय एम या फिर क्यू ई बाय एम, वो कहाँ से आया, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई, लेकिन दुनिया में रिजल्टेंट फोर्स एक ही है, एफ इक्वल टू एम है, सो ए मिल गया। किसी भी फोर्स, कितने भी फोर्स क्यों ना आ जाए, रिजल्टेंट एक ही होता है, एफ इक्वल टू एम है। और ये एल बाई वी यानी 11th, वापस 11, DST डिस्टेंस स्पीड टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। सिंपल फॉर्म दे दो, सिंपल फॉर्म दे दो, क्यू ई अपॉन एम एल स्क्वायर अपन वी स्क्वायर, तो आपको इसमें शॉर्टकट दिख ही जाएगी। ओके, किसका, इसके साथ क्या रिलेशन, वही पूछा है हमें, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, यही पूछा है हमें। होता क्या है सर, ये स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक चार्ज ये बोला जाता है इसको बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा हो यानी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो, तो डिफ्लेक्शन आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके पता कर सकते हैं कि इसका इतना हो गया, दूसरे का उसका इतना हो गया, तीसरे का, तो सबसे ज़्यादा ये तीसरे का दिख रहा है, यानी आंसर इज 3, आंसर इज 3, आंसर क्या आने वाला है, 3 आंसर आएगा, आंसर इज 3। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ये वाई जेड प्लेन में पैरेलल है, वाई जेड प्लेन, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो वाई जेड में पैरेलल है, ये हो गया। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ द एक्स एक्सिस, फिर वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है, अभी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, फिर 60 डिग्री बनाएगा, तो फ्लक्स क्या कितना एसोसिएट होगा, यानी टॉपिक चेंज हो गया, फील्ड निकल गया, अब आ गए फ्लक्स के अंदर। यानी चैप्टर में पहले चार्ज है, फिर फोर्स है, फिर फील्ड है, एंड लास्ट में फ्लक्स, टोटल 4 मेन क्वांटिटी है,
चैप्टर पहला चैप्टर आपको अच्छे से करना है तो देर आर फोर मेन फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज, फोर्स, फील्ड एंड फ्लक्स, तो उसके ऊपर आपका पकड़ होना चाहिए. ओके डन. तो फील्ड आई कैरेट यानी ये फील्ड हो गया और एरिया इसी में होगा तो थीटा बिकम जीरो. थीटा बिकम जीरो यानी फाइ इक्वल टू ई ए कॉस जीरो. फाइ का फॉर्मूला, फाइ मीन्स फ्लक्स एसोसिएट विद दिस स्क्वायर. ओके ई ई है थ्री इंटू टेन टू द पावर थ्री. एरिया, एरिया हो गया एल स्क्वायर. एल स्क्वायर यानी ये सेंटीमीटर कन्वर्ट इंटू मीटर यानी पॉइंट वन का स्क्वायर होता है 0.01 मीटर स्क्वायर. 0.01 कॉस 01 सिंपल फॉर्म दे देते हैं तो 30 आंसर बना 30 वेबर, या फिर वेबर तो नहीं कह सकते. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. वो वेबर कहाँ कहा जाता है, मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक फील्ड में ये बोलते हैं इसको. मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये हो गया ए. अब आए बी. ए सॉल्व है बेटा, अब आए बी. बी में क्या होगा, तो 60 डिग्री है तो कॉस 60, टेक कॉस 60, सिंपल है यार. ई वही ले लेना है, ए वही ले लेना है एल स्क्वायर. कॉस 60 दैट इज वन हाफ एल स्क्वायर है 0.01, एरा 0.60 वन हाफ यानी उसका आधा, उसका आधा यानी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. देख लीजिए बोथ आर सॉल्व. बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14. आगे का ही क्वेश्चन, उसके ही उसका ही डाटा ले लो, लेकिन थ्रू अ क्यूब ऑफ यानी स्क्वायर निकाल करके क्यूब कर दिया और साइड भी चेंज कर दी 20 सेंटीमीटर सो दैट इट फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेट्स. कोऑर्डिनेट जो प्लेन है उससे पैरेलल है तो हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है. तो ये तो एमसीक्यू है भाई, ये क्या है एमसीक्यू, कहाँ आंसर आएगा, जीरो ही आएगा. जीरो क्यों, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ. गाउस लॉ बाय अप्लाइंग या फिर अकॉर्डिंग टू बाय अप्लाइंग गाउस लॉ द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्यूब इज फाइ इक्वल टू एंक्लोज चार्ज. एंक्लोज्ड चार्ज लेकिन कोई चार्ज ही एंक्लोज नहीं हो रहा, देर इज नो चार्ज, तो चार्ज ही नहीं तो फ्लक्स कैसा और बात कैसी. तो यहाँ कोई चार्ज ही नहीं एंक्लोज हो रहा है बेटा, कोई चार्ज ही एंक्लोज नहीं होगा तो फिर कैसे फ्लक्स मिल सकता है. अब सोचिए क्योंकि बॉडी पूरी बंद है, कवर्ड है, तो कवर्ड बॉडी है तो अंदर चार्ज होना चाहिए. सर फील्ड है ना, लेकिन बेटा फील्ड में क्या होता है, फील्ड लाइन होती है. फील्ड लाइन एक एक साइड से एंटर होगी, दूसरे साइड से लीव हो जाएगी, निकल जाएगी. तो कोई चार्ज तो अंदर एंक्लोज हुआ ही नहीं, कोई चार्ज तो अंदर आया ही नहीं और चार्ज ही नहीं तो फ्लक्स कैसा और बात कैसे. देख लीजिए यानी एमसीक्यू, मैं तो बोलूँगा इसको कि एमसीक्यू है. ओके डन. नेक्स्ट, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस. तो फ्लक्स दे रखा है फाइ इज गिवन. केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें क्या करना है, फील्ड निकालना है. ओके, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स. चार्ज चाहिए हमें, चार्ज क्यू. इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स इज जीरो, यदि फ्लक्स जीरो है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेयर नो चार्ज इनसाइड द
यानी हमें ये तो गाउस लो हो गया, वाई और वाई नॉट यानी गाउस लो, वाई यानी गाउस लो, तो फील्ड तो नहीं फाइंड करना है, फील्ड फाइंड नहीं करना है, दो ही चीज फाइंड करनी है, एक तो चार्ज फाइंड करना है और दूसरा फ्लक्स हो गया। तो पहला ए गाउस लो, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई गिवन है 8 इंटू 10 टू द पावर 3, एप्सिलॉन नॉट 8.85 माइनस 12, सिंपल फॉर्म दे दो, जो मिले उतने कूलम आंसर, ओके डन है। 7.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ये आंसर होना चाहिए। फटाफट कैलकुलेट करो, नोट बनाते चलो, सभी फॉर्मूला सीट भी एक ले लो और फॉर्मूला भी लिखते चलो। इफ फ्लक्स इज नॉट गिवन देन चार्ज ऑल्सो बिकम्स जीरो, जीरो इंटू कुछ भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, एनक्लोज चार्ज बिकम्स जीरो, देख लो गाउस लॉ से ही पता चला। तो ये बी है, वो ए और ये बी, ओके डन, सिंपल, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। 17, ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकुलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर गिवन, अच्छे बधु अबाउट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सब गिवन है भाई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी फ्लक्स फाइंड करो, फाइ निकालो, आगे हिंट भी गिवन है, चलो फ्लक्स निकालना है, इन शॉर्ट इसका एसोसिएट फ्लक्स ये कितना होगा। तो ये चार्ज यहाँ पर है 0.10 माइक्रोकुलम चार्ज, ये यहाँ पर है, इसको कवर्ड करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इसको कवर्ड करने के लिए, क्योंकि गाउस रूल बता रहा है कि एंक्लोज चार्ज ही आप ले सकते हैं, बाहर खुला चार्ज नहीं ले सकते, तो इसको एंक्लोज करने के लिए दूसरी साइड हमें सोचनी पड़ेगी कितनी, तो टोटल साइड पूरा बंद बॉक्स सोचेंगे, क्लोज बॉक्स, तो 6 हो जाएगी ऐसी 6 टोटल, और एक साइड से ढूंढना है वन फेस, तो डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, तो 1 के लिए आ जाएगा, समझ रहे होंगे आप, यानी 6 साइड है, 6 साइड के साथ टोटल एसोसिएटेड फ्लक्स फाई, तो 1 साइड में कितना, ओके तो इससे पता चलता है कि डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा बेटा 6, अब गिवन ही है सब वैल्यू, तो ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है यार, 10 माइक्रो डिवाइडेड बाय 6, सिंपल फॉर्म दो चलो फटाफट, क्या मिल रहा है, फ्लक्स क्या आ रहा है, 0.8183 इंटू 10 टू द पावर 5 आ रहा है क्या, 1.883 10 टू द पावर 5 चेक कर लो, आ ही जाएगा आराम से, ओके डन छे, आगे अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकुलम एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक, अभी जो बताया वही, गाउसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस, अच्छा इसमें पूरा फाइंड करना है तो क्या करे, पूरा तो ये 6 नहीं लेना है, पूरे बॉक्स का ढूंढना है, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर का था तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया, लेकिन पूरे क्यूब का है तो 6 नहीं लेना है, ध्यान रखो, ठीक है ना, नेक्स्ट, अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो ये इसमें फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल फॉर्म, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये 8.85 माइनस 12 ऊपर चला जाएगा प्लस 12 यानी 6 रह जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाय 8.85 सिंपल फॉर्म दे दो, क्या रहा है मुझे बताओ, तो बच्चा पार्टी क्या आएगा, ये 5 कर सकते हैं,
है ना। अब 8 का टेबल 20 आने तक बोलो क्या आएगा, 20 आने तक यानी 8 × 16 टू पॉइंट समथिंग आएगा, चेक इट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। चले आगे, 18 हो चुका है, 19, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन छे, पास थ्रू अ स्फेरिकल गाउसियन सरफेस रेडियस गिवन छे ऑन द चार्ज। चलो आगे, इफ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस वेर डबल, यानी रेडियस को डबल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट इज द, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पर डिपेंड ही नहीं करता, एरिया पर डिपेंड ही नहीं करता। फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू चाहिए, एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, तो भाई एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर इज सेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, हाँ चार्ज निकाल सकते वो आसान है, इफ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस बिकम्स डबल द फ्लक्स एसोसिएट विथ द सरफेस कैन नॉट चेंज, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप लिख सकते हैं आगे, बिकॉज ऑफ इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया, लिख लीजिए, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया या फिर रेडियस। तो फ्लक्स तो सेम ही रहा बेटा, चेंज नहीं होगा, यानी 1 × 10³ माइनस में है 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। अब आए फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू चाहिए हमें, तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए, सिंपल, माइनस 1 × 10³ एप्सिलॉन नॉट, 8.85 × 10⁻¹২, सिंपल फॉर्म जो आए वो आंसर। ओके, कैलकुलेट इट, फटाफट कैलकुलेट करो भाई, 7.08 आ रहा है क्या, 7.08, लेकिन ये तो 8.85 सेम ही है, 12 में से 3 गया, माइनस 8, 12 में से 3 गया तो 9 माइनस 9। ओके डन छे बेटा, माइनस चार्ज देख लीजिए, सिंपल। आगे चले 20, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, उसके बाद अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, रेडियस गिवन, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ई दिया है, डिस्टेंस दे रखा है, रेडियस दे रखा है, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो हमें चार्ज फाइंड करना है। फिर से अ कंडक्टिंग स्फीयर, एक स्फीयर है, रेडियस क्या है, रेडियस है कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर, और फील्ड, फील्ड हमें यहाँ दिया है, तो ढूंढना क्या है, ये चार्ज,
तो कैसे के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू को सब्जेक्ट बना लो, ई आर स्क्वायर बाय के, ई कितना गिवन है, ई ई 1.5, आर 0.2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, के कूलम कांस्टेंट, सिंपल फॉर्म जो मिले वो आंसर। ओके, क्या आ रहा है देख लीजिए और बताइए। तो 1.447 ऐसा कुछ आएगा, 1.447 ऐसा कुछ कैलकुलेट हो रहा है और चार्ज हो जाएगा पावर में -3। व्हाट इज द नेट चार्ज, हो गया नेट चार्ज, दूसरा कुछ है क्या, नहीं, नेट चार्ज ही ढूंढना है, वो हो गया। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व है, आगे बढ़े। अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर 2.4 मीटर आर गिवन, हैज अ डेंसिटी सिग्मा गिवन, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, ओ क्यू निकालना है, आगे बढ़े, सेम टू सेम, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइ बी ढूंढना है। तो उसका आंसर देख लेना भैया, ये आंसर एक बार चेक कर लेना आप अपनी ओर से, कुछ अलग हो सकता है। मेथड वही है सेम, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर डायमीटर, तो ये डायामीटर है, इससे रेडियस मिल जाएगा, कैसे, डायामीटर बाय 2, यानी 2.4 डिवाइडेड बाय 2, 1.2 मीटर, ये हो गई रेडियस। फिर सिग्मा दे रखा है, सिग्मा, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो हमें क्या करना है, स्फीयर पर चार्ज फाइंड करना है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, सो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए, ए मीन्स 4πr², क्यू क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का एरिया इतना ही होता है, 80 माइक्रो -6 4π, रेडियस 1.2 का स्क्वायर, सिंपल फॉर्म दे दो। तो वो जो मैंने आंसर लिखा था वो इसका शायद था। व्हाट इज द फ्लक्स, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻²। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 1.44 जो मैंने लिखा था वो इसका है बेटा, 1.44 इंटू 10⁻³ कूलम, सिंपल फॉर्म दे दो, दोनों का सिंपल फॉर्म दे दो, क्या आ रहा है, 1.635 10⁸ पावर 8। ओके डन, नेक्स्ट, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, फिर से डायमीटर, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हो गया ये क्वेश्चन, तो हो गया ये रहा सेम, छप गया है, नेक्स्ट कर लेते हैं। एन इनफाइनाइट द चार्ज प्रोड्यूस फील्ड ई, डिस्टेंस आर, कैलकुलेट द डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी, सिंपल है, यानी फॉर्मूला बेस है बदू, सब फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला याद कर लो, हो गया आपका इसका 2k λr, सिंपल। फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर इक्वल टू 2k λr, हमें क्या ढूंढना है भाई, तो लैम्बडा, लैम्बडा को सब्जेक्ट बना लो, हो गया ई आर डिवाइडेड बाय 2k, ई गिवन छे 9 × 10⁴, आर सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू, तो ये SI में देते इसलिए हमें ये SI में करना ही पड़ता है, तो कोई बच्चा ऐसा पूछे नहीं कि इसको
हर बार करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बाकी सब डेटा क्या है SI में देते, तो डिस्टेंस भी हमें वी हैव टू कन्वर्ट इन SI यूनिट। अब इसका सिंपल फॉर्म दे दो तो 10^-7 ये आंसर होगा। ओके डन। नेक्स्ट, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, तो ये लास्ट होगा शायद एक्सरसाइज का, यहाँ एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। टू प्लेट ये दो प्लेट है ऑन द इनर फेस, द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो दोनों पॉजिटिव है शायद और सिग्मा गिवन है। व्हाट इज द ई फाइंड करना है भाई, इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, तो E1 निकालना है, फिर इन द आउटर रीजन E2 निकालना है, एंड बिटवीन प्लेट यानी पॉजिटिव अवे फ्रॉम टू ईच अदर ऑन देयर इंटरफेस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो अपोजिट साइन, ओके अपोजिट साइन यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव यानी टूवर्ड्स, इसका टूवर्ड्स और इसका अवे, और बाहर बाहर भी टूवर्ड्स, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा और अंदर अंदर मिलेगा, तो समझे आप कुछ, इसीलिए कैपेसिटर और वो सब में बाहर कुछ नहीं मिलता, अंदर ही मिलता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, σ/2 ε0 गाउस एप्लीकेशन नंबर 2, थियरी गाउस एप्लीकेशन नंबर 2, सिंपल σ/2 ε0, सारे फॉर्मूला भी कवर हो चुके हमारे। तो सर यहाँ क्या आएगा, तो बेटा σ/2 ε0 तो ये दो बार हो गए, 2-2 कट, 2-2 क्या होने वाला है, कट होने वाला है, तो क्या होगा, E=σ/ε0, तो ये कहाँ ढूंढा, बिटवीन टू प्लेट यानी C पहले निकाल लिया, C बिटवीन टू प्लेट, सिग्मा गिवन 17-22 और ये कांस्टेंट, ये मिल जाएगा न्यूटन पर कूलम, और ए बी कितना होगा, इसका आधा, इसका आधा E1, तो जो E मिला उसके बाई टू, E2 E/2 सेम टू सेम, ये अवे अवे फ्रॉम प्लेट और वो टूवर्ड्स टूवर्ड्स टू प्लेट। ओके सिंपल, उससे आधा हो जाएगा, बाई टू है ना, यहाँ देख रहे हो आप बाई टू, तो देख लो कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है आंसर, देखो चेक इट, चेक इट बेटा, तो 1.92 शायद 1.92-10 और ये 0.96 शायद, उससे आधा यानी 0.96 ही होगा, चेक करो चेक करो। ओके डन, तो यहाँ एक्सरसाइज क्या हो गई, ओवर हो गई।